ब्रॉक लेसनर को एक महिला रेसलर ने दी थी धमकी, क्रिस जेरिको को करने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न। रोमन रेंस के रिटर्न के चार तरीके हैं सामने और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा। आर डब्ल्यूई का नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। आज की वीडियो रहने वाली है क्विक मैशअप वीडियो, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की खबरों की और उसके बाद जाएंगे बिग डॉग रोमन रेंस की स्पेकुलेशन के ऊपर। तो भाई सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है Y2J जय क्रिस जेरिको से। तो Y2J ने दोस्तों हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने रिटर्न को लेकर पहली बार जुबान खोली। आप जानते हैं जब से Y2J AEW के अंदर गए हैं तब से लेकर अभी तक दोस्तों उनके काफी ज्यादा भाव बढ़ चुके हैं। उन्होंने कई बार WWE की बेइज्जती की है, साथ ही साथ दोस्तों जो AEW वाले उन्हें भी काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। लेकिन हाल में दोस्तों Y2J ने कुछ ऐसा कहा जो कि काफी शॉकिंग था। तो WWE में रिटर्न को लेकर दोस्तों Y2J से सवाल किया गया था, वो क्या चीज बोले वीडियो में कि देखो WWE मुझे काफी ज्यादा पसंद है, विंस मैकमैन मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं एक कंपनी में लंबे समय तक नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने WWE को छोड़ा और अभी मैं AEW के साथ जुड़ा हुआ हूं और उनकी सफलता को देख मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है और मैं अपना 100% इसी कंपनी को देना चाहूंगा। मैं नई चीजों को ट्राई करता हूं और उसमें अपनी जान फूंक देता हूं और यहां मैं इस कंपनी के अंदर हूं तो इसी कंपनी का मैं लॉयल रहूंगा। तो यहां दोस्तों क्रिस जेरिको ने साफ कर दिया है कि WWE में उनका रिटर्न अभी पॉसिबल नहीं होने वाला है, जो कि काफी ह्यूज थिंग है। हम चलते हैं दोस्तों इससे अगली खबर के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों लियो रश से, जिन्होंने कर दिया है अपना रिटर्न। तो लियो रश जब WWE को छोड़े थे बेसिकली दोस्तों WWE वालों ने उन्हें रिलीज किया था। तो लियो रश ने क्या चीज कही थी कि मेरा दिल टूट चुका है, मैंने WWE को चाहा, WWE ने ऐसा सिला दिया, मैं अब कभी भी रेसल नहीं करूंगा। तो लियो रश ने दोस्तों शायद इमोशनल होकर ये चीजें कही थी क्योंकि आज लियो रश का रिटर्न हो चुका है। लियो रश ने दोस्तों एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम है GCW वहां दोस्तों अपना रिटर्न किया और इस रिटर्न में दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि वो AEW के सुपरस्टार यानी कि जोई जनेला पर हमला बोले। जोई जनेला दोस्तों अपने मैच को जीतने के बाद एक तरीका प्रोमो काट रहे थे लेकिन पीछे से एक भैरूपिया उनके ऊपर हमला बोल देता है और जब दोस्तों वो अपना मास्क हटाता है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो लियो रश था और उसके बाद दोस्तों लियो रश के लिए लोगों ने चैंट लगाने में स्टार्ट कर दिए। लियो रश दोस्तों फिर से रेसलिंग की दुनिया में कदम बढ़ा चुके हैं। हम चलते हैं इससे अगली खबर के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी एक सेलिब्रिटी से जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो रेगिस फिल्बिन करके दोस्तों एक बहुत बढ़िया होस्ट था WWE का, 88 की उम्र में दोस्तों आज ये चल बसे हैं। दरअसल इन्हें रेसलमेनिया 7 के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। रेसलमेनिया 7 में जो इनका इंटरव्यू लिया गया था, जो इन्होंने इंटरव्यू लिया था अंडरटेकर का, उसे दोस्तों आज भी याद किया जाता है। WWE वाले उसे काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इन्होंने WWE को अपना समय दिया था, कई इंटरव्यूज का पार्ट थे बड़े बड़े सुपरस्टार जैसे कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अंडरटेकर ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स के इंटरव्यू लिए थे। 80 के दशक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। उसके बाद दोस्तों ये टीवी एंकर भी बने, टीवी होस्ट भी बने और आज दोस्तों इनकी नेचुरल डेथ हुई है। होप करते हैं दोस्तों कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, रेस्ट इन पीस। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों अलस्टर ब्लैक से, जो कि उतर चुके हैं विंस मैकमैन के दिल से। तो आप जानते हैं WWE के अंदर अगर किसी सुपरस्टार को बड़ा बनना है तो सबसे पहले तो उसे विंस मैकमैन का दिल ही जीतना पड़ता है। विंस मैकमैन ही वो व्यक्ति है जो कि दोस्तों हर बुकिंग डिसीजन लेते हैं। यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि अलस्टर ब्लैक अब विंस मैकमैन के दिल से उतर चुके हैं। तो इससे पहले जब पॉल हेमन एक्टिव थे तो अलस्टर ब्लैक दोस्तों काफी बढ़िया कर रहे थे। आपको याद होगा एक समय ऐसा भी था कि अलस्टर ब्लैक किसी से हारते ही नहीं थे और एक समय ऐसा है गाइस कि सेथ रॉलिंस ने उनकी ऐसी तैसी कर रखी है। तो क्या इसके पीछे का रीजन ये है कि विंस मैकमैन अब अलस्टर ब्लैक को वैसा नहीं देख रहे जैसे कि वो पहले देख रहे थे। बताया जा रहा है दोस्तों कि विंस मैकमैन को लगता है कि अलस्टर ब्लैक में कुछ मिसिंग है जो कि वो नहीं जानते, लेकिन स्टिल इसके चलते वो अलस्टर ब्लैक को वैसा पुश नहीं दे रहे हैं और उनके दिल से दोस्तों अलस्टर ब्लैक धीरे धीरे उतरने लगे हैं। तो अलस्टर ब्लैक के दोस्तों बुरे दिन चालू हो चुके हैं और विंस मैकमैन को दोस्तों अलस्टर ब्लैक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बुरी खबर है ब्लैक के फैंस के लिए। ब्लैक इससे पहले दोस्तों काफ़ी बढ़िया कर रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों आगे उनका फ्यूचर कैसा रहता है। होप करते हैं दोस्तों विंस मैकमैन उन्हें बढ़िया पूछ दे। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है
वो जुड़ी हुई है द बेस्ट ब्रॉक लेसनर से, जिन्हें एक महिला रेसलर ने दी थी धमकी। तो दोस्तों ये स्टोरी आज से कुछ समय पुरानी है, लेकिन हाल ही में शेयर की गई, जिसने कि उसका नाम है दोस्तों बिग स्वोल दोस्तों AEW के सुपरस्टार है। उन्होंने ये चीज कही कि जब मैं WWE के अंदर थी तो मैंने ब्रॉक लेसनर को धमकाया था। तो बिग स्वोल ये चीज बोली कि देखो जब मैं WWE के अंदर थी तो मैं काफी बुरे दिनों से गुजर रही थी, लेकिन स्टिल मैंने ऐसी ऐसी चीजें की है जो कि काफी डेयरिंग है। मैंने एक बार ब्रॉक लेसनर को धमकाया था, हुआ कि एक बैक स्टेज वो मुझे मिला और मैंने सीधे जाकर उससे ये चीज कह दी, आई कैन वूप योर एस, यानी कि मैं तुम्हारी जी तोड़ सकती हूँ। जिस पर ब्रॉक लेसनर हंस दिए और फिर मेरा नाम पूछे। मैं बोली कि मेरा नाम एरियल है। दरअसल उस वक्त दोस्तों उन्हें एरियल के नाम से ही जाना जाता था, अब उन्होंने अपना रेसलिंग नेम बिग स्वोल रख दिया है। तो इसके बाद दोस्तों बिग स्वोल क्या कहती है कि वो शायद इसलिए हंसे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुके थे, उन्हें लोग बीच बीच में टोकते रहते हैं और उन्हें लोगों से ज़्यादा प्रेम नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने गुस्से में मुझसे मेरा नाम पूछ लिया। मुस्कुराते हुए ये चीज़ बोले कि क्या तुम्हारा नाम है, मैंने बोला एरियल। उसके बाद वो फिर से बोले कि तुम सोचती हो कि तुम मुझे तोड़ सकती हो, जिस पर मैंने हामी भरी और वो हंसते हंसते वहाँ से निकल गए। तो ब्रॉक लेसनर पर दोस्तों बिग स्वोल ने काफ़ी बड़ी टिप्पणी की है। देखते हैं दोस्तों ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट यानी कि पॉल हेमन का इस पर क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि आपको क्या लगता है कि वाकई में बिग स्वोल हरा सकती है ब्रॉक को, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर यानी कि मेन खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस के रिटर्न के चार तरीके आप जानते हैं। रोमन रेंस WWE से गायब है, जिसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि वो इस कोरोना वायरस पैनाडेमिक के मध्य रिटर्न नहीं करना चाहते इस पैंडेमिक में दोस्तों, घर पर ही बैठे हुए हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बाकी रेसलर्स के जैसा नहीं है। बात की जाए दोस्तों बिग डॉग का रिटर्न कब होगा, तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपको समर स्लैम के बाद ही देखने को मिल पाएगा, क्योंकि अभी के लिए WWE के प्लान्स यही है कि समर स्लैम में ब्रे वायट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन करवाना है। अब बात की जाए कि रोमन रेंस रिटर्न पर क्या करेंगे, तो आफ्टर समर स्लैम दोस्तों उनके पास चार ऑप्शन रहने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि वो जे उसो के साथ बना रहे अपनी टैग टीम। तो आप जानते हैं दोस्तों जिमी उसो इंजर्ड हो चुके हैं और दोस्तों जो ये उनका रिटर्न का टाइम है, या फिर कह लीजिए जो डॉक्टर्स ने टाइम दे रखा है जिमी उसो को कि कब वो अपना रिटर्न कर पाएंगे, वो काफ़ी लंबा है, 6 से 8 महीने का है। ऐसे में दोस्तों जो रोमन रेंस है वो जे उसो की मदद कर सकते हैं। जे उसो को अगर आप स्मैकडाउन में देखें तो कभी उन्हें ऑडियंस में बिठा दिया जाता है, कभी दोस्तों उन्हें हल्का सा स्मैकडाउन में सेगमेंट दे दिया जाता है, जैसे कि हम इन बीती स्मैकडाउन के अंदर देखे थे। कुल मिलाकर दोस्तों रोमन रेंस भी चाहेंगे कि जे उसो की मदद की जाए और जे उसो के साथ वो एक यूनिक टैग टीम बनाकर आगे जाकर अपना करियर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन गाइस अब हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 3 के ऊपर। तो नंबर 3 पर जो रोमन रेंस के सामने ऑप्शन रहेगा वो है दोस्तों एजे स्टाइल्स या फिर किसी दूसरे IC चैंपियन को फेस करना। तो अभी के लिए दोस्तों एजे स्टाइल्स चैंपियन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि समर स्लैम के बाद तक एजे स्टाइल्स ही चैंपियन रहे, क्योंकि एजे स्टाइल्स काफी ज्यादा टाइटल डिफेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में उस वक्त कोई नया चैंपियन भी हो सकता है, जैसे कि बिगी भी चैंपियन हो सकते हैं उस वक्त। तो ऐसे में जो रोमन रेंस है वो आकर उन्हें चैलेंज करे और IC चैंपियन बने। लेकिन अब हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 के ऊपर, और नंबर 2 पर आता है कंटिन्यू एज ए सिंगल कॉम्पिटिटर। तो रोमन रेंस पास्ट में एक बार ऐसा किया है कि अपने रिटर्न पर वो ना ही किसी टाइटल के पीछे पड़ते हैं, ना ही दोस्तों वो कुछ और करते हैं, वो सिंपली दोस्तों अपने करियर को वैसे ही परस्यू करते हैं जैसे कि कोई सिंपल रेसलर करता है, यानी दोस्तों एज ए सिंगल कॉम्पिटिटर फिर से शुरुआत करना नीचे से और फिर ऊपर जाना, जैसे कि दोस्तों पास्ट में किंग कॉर्बिन के साथ राइवलरी किए थे। यहाँ अपने रिटर्न पर मैट रिडल या फिर किसी दूसरे सुपरस्टार के साथ राइवलरी कर सकते हैं और धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उनके फैंस को ये चीज़ मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। हम चलते हैं नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 पर दोस्तों जो थिंग आती है वो है चैलेंजिंग ब्रे वायट फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो अभी के लिए यही माना जा रहा है कि समर स्लैम 2020 में जो जीतेगा ब्रे वायट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन में वो कोई और नहीं वो होगा फीड। और ऐसे में दोस्तों फीड वर्सेस रोमन रेंस अभी से दोस्तों स्पेकुलेट किया जा रहा है। समर स्लैम के बाद दोस्तों हमें एंगल देखने को मिल सकता है कि बिग डॉग रोमन रेंस आए स्मैकडाउन में और आते ही सार माइक पकड़कर सबसे पहले यही चीज कहे कि उन्हें चाहिए फीड का सर और उन्हें चाहिए अपनी खोई हुई यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो कि वो कभी लूज ही नहीं किए थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये चार रिटर्न के तरीके हैं जो कि रोमन रेंस ले सकते हैं। रोमन रेंस की बात की जाए तो अभी दोस्तों रोमन रेंस ने काफ़ी तगड़ी बॉडी बना रखी है और मेरे हिसाब से दोस्तों रिटर्न तो वो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी दोस्तों WWE वाले उनका रिटर्न पॉसिबल करने ही नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी खासी स्टोरी लाइन चल रही है,
ब्राउन और ब्रे वाइट की। ब्राउन को अपनी वापसी करनी है, स्वाम में से निकलना है और फिर ब्रे वाइट को फेस करना है समर स्लैम के अंदर। समर स्लैम के बाद दोस्तों रोमन रेंस के रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और यहाँ दोस्तों बिग डॉग का रिटर्न भी कर देना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे ऑडियंस भी लौटनी चालू हो जाएगी और रोमन रेंस वर्सेस फिंड एक बेहतर मैच होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में फिंड को हराने का मादा रखते हैं बिग डॉग? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ अब आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शपक है।